हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को दी राहत। पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान खेमका के खिलाफ दी गई चार्जशीट को किया गया ड्रॉप। अशोक खेमका का ट्वीट, चार्जशीट के निर्णय के बारे में नहीं है कोई जानकारी, मीडिया की खबर मेरे कानों को अच्छे संगीत की तरह है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं, इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है। 9455 जेबीटी टीचरों को नियुक्ति का मामले में सीएफएसएल ने कंप्यूटर जांच में खामी पाई है। हाईकोर्ट अगली सुनवाई पर तय करेगा मामले की जांच कौन सी एजेंसी करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पर कोई कार्रवाई न करने पर सीबीआई को लगाई फटकार। अगली सुनवाई में हेड ब्रांच के इंटरपोल इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के निर्देश। कैप्टन अभिमन्यु के साथ 10 साल से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे राय के किसानों की मीटिंग 17 नवंबर को चंडीगढ़ में। किसानों का प्रतिनिधिमंडल करेगा सरकार के मंत्रियों से मुलाकात। हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव का बयान, हरियाणा सरकार पिछले 4-5 सालों से बंद भुना सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को उनकी योग्यता के मुताबिक सहकारिता विभाग में कर सकता है समायोजित। पंजाब के किसानों ने मुआवजे के लिए फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन 6 नवंबर तक प्रदेश भर में करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कल से 2 दिवसीय पंजाब दौरा, फरीदकोट और बठिंडा का करेंगे दौरा। बेअदबी मामले में मृतक के परिवारों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मुलाकात हुई है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मसले पर चर्चा। अकाली दल कोर कमेटी की बैठक में 1984 दंगों की निंदा की गई। बैठक में बेअदबी मामले पर भी चर्चा हुई और सरकार के फैसलों की तारीफ की गई। अमृतसर के डीसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आज करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां कम पड़ गई। डीसी रवि भगत ने तुरंत सेना, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एक घर में चल रहे देव व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 4 महिलाओं के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में एक रेप पीड़िता ने की राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग। शिकायत के बावजूद भी दबंग आरोपी पर नहीं हुआ केस दर्ज। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने रोहतक में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस राज पर सवाल उठाए थे। शिमला आईजीएमसी में कैंसर यूनिट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया 14 करोड़ का ऐलान। फरीदाबाद के सुनपेड़ मामले में सीबीआई ने 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में सूबे के विभिन्न विभाग के अधिकारियों और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक की। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने सीएम के कई ठिकानों पर इस सिलसिले में छापेमारी की थी। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के घुमारवी इलाके में सुनी निवासी एक युवक की पिटाई के आरोप पुलिस पर लगे हैं। ऊना जिले में लड़कियों के गिरते लिंगानुपात को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत राज्य स्तरीय लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने इस बार फरवरी में लगने वाले सूरजकुंड मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मेले का थीम स्टेट गुजरात और थीम कंट्री चीन को बनाया जा रहा है। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में चल रहे 5वें युवा समारोह में स्टूडेंट्स ने ग्रुप डांस, हरियाणवी डांस, गजल और फोक की उम्दा प्रस्तुति पेश की। भारत में 10 दिसंबर से हो रही है प्रोफेशनल कुश्ती की शुरुआत। 36 भारतीय पहलवान और 18 विदेशी पहलवानों की लगी बोली।
मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव का बड़ा बयान। धोनी और विराट कोहली की तुलना पर कहा, बाप को बाप रहने दो और बेटे को बेटा। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर के डीसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आज करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां कम पड़ गई। डीसी रवि भगत ने तुरंत सेना, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी फायर इंजन भेजने के लिए कहा है। फिलहाल जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमृतसर के डीसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आज सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि 3 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई है, लेकिन तीनों गाड़ियां कम पड़ गई हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि डीसी रवि भगत ने तुरंत सेना, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी फायर इंजन भेजने के लिए कहा है। रिकॉर्ड रूम में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड बुला ली गई है। हम लोगों ने आर्मी, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट कर दी, उनकी फायर ब्रिगेड भी आ रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से फायर ब्रिगेड ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। कैसे लगी उसका कारण तो अभी बाद में पता लगेगा, वो हम लोग प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करेंगे कैसे लगी। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।